शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखने में कितने शरीफ लगते हैं। योर ऑनर, कोई ये कैसे मान सकता है कि इतने शरीफ घराने के शरीफ लड़के इतना बड़ा जुर्म कर सकते हैं? खैर, मिस्टर सुखदेव, आपने अभी कहा कि मिस किरण दत्त से आपकी पुरानी जान पहचान है। जी मिलॉर्ड, मेरी मिस किरण दत्त से पुरानी जान पहचान थी। इन्होंने उस रात मुझे डिनर पर बुलाया। नहीं, ये झूठ है। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं थी। योर ऑनर, अगर इनके इरादे नेक ना होते तो ये अपने दोस्तों के साथ वहां नहीं जाते बल्कि अकेले जाते। तो आप इनके घर अपने दोस्तों के साथ पहुंचे। जी हाँ योर ऑनर, जब हम वहां पहुंचे तो मुझे अकेला न देखकर इन्हें बड़ी मायूसी हुई। फिर इन्होंने हमें अंदर बुला लिया। यानी आप चारों को अंदर बुला लिया? जी हाँ। गुड। उसके बाद योर ऑनर, मिस किरण दत्त ने इन चार बच्चों को अंदर बुलाकर शराब पेश की। ये बेचारे शराब पीते तो क्या सूंघते तक नहीं थे, लेकिन मिस किरण दत्त ने जिद की और खुद भी शराब पी और इन बेचारे बच्चों को भी शराब पीने पर मजबूर कर दिया। योर ऑनर, फिर ये मुझे अपने बेडरूम में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर इन्होंने म्यूजिक लगा दिया और डांस करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे योर ऑनर, इन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नो, दैट्स अ लाई, ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर वही हुआ जो इन्होंने चाहा। योर ऑनर, आखिर मैं इंसान हूं। जज साहब, इनकी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है। मैंने आज तक किसी चालू औरत को नहीं देखा। जज साहब, मैं बहुत शरीफ इंसान हूं और आज से औरत के नाम से मुझे नफरत हो गई है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर किरण दत्त ने मेरी इज्जत लूटी है और इन्होंने मुझे यहां काटा। बड़ी बेशर्म औरत है ये। जज साहब, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि ये डिनर मुझे इतना भारी पड़ेगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं जाता। लेकिन योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट का कहना है कि जबरदस्ती हुई। यस योर ऑनर, जबरदस्ती हुई, लेकिन जबरदस्ती की इन्होंने। मिस किरण दत्त को मारा पीटा भी गया और यहां तक कि इनके कमरे में तोड़फोड़ भी की। यस आई एग्री, ऐसा हुआ। जब इन चार बच्चों ने मिस किरण दत्त की आवाज से बचना चाहा तो ये पागल हो गई। इन्होंने उन्हें काटना और पीटना शुरू कर दिया। ऐसे में उनका अपना बचाव करना लाजमी था। ये सब बकवास है मिलॉर्ड, इनकी बातें से घिन आती है। तुम कौन हो यंग मैन? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहां विटनेस बॉक्स में आकर कहो। या होना मुअज्जिज़ वकील मिस किरण दत्त पर बेहूदा तोहमतें लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश हूं, मेरी मिस किरण दत्त से शादी होने वाली है। योर ऑनर, मैं यही साबित करना चाहता हूं। जब मिस किरण दत्त के मंगेतर डॉक्टर सूरज ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इन्होंने एक चाल चली। पुलिस ऑफिसर होने के नाते कानून तो जानती थी, इन्होंने इन मासूम बच्चों पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। व्हाट नॉनसेंस, औरत भी कभी रेप कर सकती है? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त नहीं जानते कि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। वन मिनट प्लीज। औरत भी रेप कर सकती है, हियर इज द प्रूफ। एक औरत ने एक मर्द की इज्जत लूट ली। एक औरत ने एक मर्द के साथ बलात्कार किया और उसके बाद स्ट्रेंज, इट्स पॉसिबल। यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल, यू मे बी राइट। इन लड़कों को बरी किया जाता है। द केस इज डिसमिस्ड। We'll be right back.
आज का अखबार देखे क्या? रेप केस में किरण दत्त मुकदमा हार गई ना। मुकदमे में एक फरीक जीतेगा और दूसरा हारेगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो मर्द लोगा में कितने बेदर्द हैं। ये रेप केस है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर का। क्यों, पुलिस ऑफिसर इंसान नहीं होते क्या? और अगर होते हैं तो उनके साथ भी वो सब कुछ हो सकता है जो एक आम आदमी के साथ होता है। सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुरानी जिंदगी के किस्से भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शाहिना, देखा तूने, बारिश के बाद सूरज की किरणें सोने जैसी हो गई है ना। ऐसा नहीं लगता कि दूर देश की कोई चिड़िया हमारे आंगन में आई है। सुनो तो, कितना मीठा राग गाती उन्हें। ले, थोड़ा नाश्ता कर ले। खा रही दीवानी, ये दलिया है, ये तो तू कितने शौक से खाती थी ना। ले ले बहना। खुदा हाफिज सलमा डार्लिंग। चाइना, चाइना, क्या जी तुम्हें? जब तुम अच्छी तरह जानते कि चाइना मर्दा की परछाई से भी कांपती, तो क्यों उसके सामने आते कहते? I'm sorry. तो मेरी पास ना, चाइना। सर उठाकर चल सकती हूँ, ना आंख मिलाकर बात कर सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर शख्स, हर चीज मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। पुलिस ऑफिसर तो क्या, मैं तो औरत बनकर भी सांस नहीं ले सकती। तुम सूरज की किरण होकर ऐसी बात कर रही हो। सूरज की किरण तो उसी रात मर गई थी, अब तो अंधेरा है और इसमें एक सिसकती हुई लाश है जिस पर तुम तरस खाकर किरण कहते हो। ना किरण मरी है और ना ही अंधेरा हुआ है और ना ही मैं तुम पर तरस खा रहा हूं। सूरज की किरण गंदगी पर पड़ती है तो किरण मैली नहीं होती। और फिर तुमने कोई पाप नहीं किया, आप तो उन बलात्कारियों ने किया है। लेकिन समाज तो इस बात को नहीं मानता, जिस औरत के साथ बलात्कार हो जाता है उसे उसके माँ बाप भी स्वीकार नहीं करते, पापन कहकर मुंह फेर लेते हैं। और इसीलिए तुम पुलिस की नौकरी छोड़ रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बड़ा अनर्थ करोगी। तुम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हो, तुमने बलात्कार के भूत को अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर से भुगता है। अगर तुमने हार मान ली, अपनी वर्दी और अपनी ड्यूटी से मुंह फेर लिया, तो बरसों तक लाचार और मजलूम औरतें तुम्हारी कायरता की कहानियां सुनाती रहेंगी, तुम पर धिक्कार भेजती रहेंगी। सूरज सुनो किरण, तुम मेरी होने वाली पत्नी नहीं, मेरी दुश्मन भी होती
तब भी मैं तुमसे यही कहता, तुम्हें गंगा की तरह पवित्र मानता। ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है? नहीं, ये मेरे नियम और मेरे उसूल बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना फैसला बदल लेती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तुम पवित्र हो किरण, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। धिक्कार है सामाजिक ढांचे बनाने वालों, उनको कायम करने वालों पर, जो तुम जैसी औरतों को देखकर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे जैसे कोई कोड़ी आईने से मुंह फेर लेता है। ये है वो सिद्धांत। और ये है वो शक्ति। जाओ, वो मजलूम औरतें तुम्हारी राह देख रही हैं।